वेलकम इन द सेकेंड पार्ट। बेटा बंटी ने बुक भी नहीं खरीदा और उसने उसको अवॉइड भी नहीं किया, तो हमने बाई का पास्ट टेंस बोट ले लिया, बोट के आगे नाइदर लगा दिया। तो बंटी नाइदर बोट नॉर अवॉइडेड अ बुक। उसी तरह से दिया है, सुनीता डज नॉट कीप अ पर्स, वह पर्स भी नहीं रखती। सी डज नॉट कीप अ डस्टर, वह डस्टर भी नहीं रखती। तो पहला ऑप्शन हो गया बड़ा पर्स और दूसरा ऑप्शन हो गया डस्टर। तो पर्स के आगे नाइदर आ जाएगा और अ डस्टर के आगे नोर आ जाएगा, लेकिन ये डज चला जाएगा कीप में। अब जिसी किसी भी क्रियापद में, किसी भी वर्ब में अगर हम डज लगाते हैं तो उसके आगे हम एस लगा देते हैं। तो सुनीता, अब कीप में हमने एस लगा दिया तो क्या हो जाएगा, कीप्स। तो सुनीता कीप्स नाइदर अ पर्स नॉर अ डस्टर। देखो पहले ऑप्शन के आगे हमने नाइदर लगा दिया और दूसरे ऑप्शन के आगे हमने नॉर लगा दिया, और जो नॉट बताने वाला शब्द था उसको हमने हटा दिया। वो इसलिए हटा दिया कि जो नाइदर नॉर है उसमें खुद ही नॉट छुपा हुआ है, इसलिए इसके साथ कभी भी नॉट लिखा जा सकता नहीं है। उसके बाद वाला बेटा को रिलेटिव है नॉट ओनली बट आल्सो, इसको हिंदी में कहते हैं केवल वही नहीं परंतु वह भी। अब देखो इसमें जो पहला वही शब्द दिया है, ये वही के बदले में पहला विकल्प आ जाएगा, जैसे जो भी हो राम श्याम सीता गीता, और दूसरे वाले में जो वर्ड आ रहा है वह भी, तो वह के बदले में दूसरा विकल्प आ जाएगा। और ये दो शब्दों को बताने के लिए उपयोग में लिया जाता है कि जहाँ पे हमें दो शब्द बताने हो। बेटा इसके बदले में दूसरे एक शब्द का उपयोग होता है और उसका वर्ड का नाम है बेटा बोथ एंड, इसका हिंदी होता है बेटा दोनों और। बड़ा अब ये जो बीच में हमने गैप किया है, बराबर बीच में जो ये खाली जगह हमने रखी, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो भी हमारे विकल्प हैं उस विकल्प को लिखा जाएगा। जैसे हम नॉट ओनली का उपयोग कर रहे हैं तो नॉट ओनली के बाद पहला विकल्प, बट आल्सो का यूज़ कर रहे हैं तो बट आल्सो के बाद दूसरा विकल्प, बोथ एंड लगा रहे हैं तो बोथ के बाद पहला विकल्प और एंड के बाद दूसरा विकल्प। जैसे आइदर और में क्या किए, आइदर के बाद पहला विकल्प और के बाद दूसरा। नाइदर में क्या किए, नाइदर के बाद पहला और नॉर के बाद दूसरा। अब नॉट ओनली बट आल्सो में क्या होगा, नॉट ओनली के बाद पहला और बट आल्सो के बाद दूसरा। बोथ एंड में क्या होगा, बोथ के बाद पहला और एंड के बाद दूसरा, राइट। इसको भी दो शब्दों के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो देखो ये नॉट ओनली बट आल्सो और बोथ एंड, ये दोनों का उपयोग एक दूसरे के बदले में किया जा सकता है। अब यहाँ पर दिया छोटे लाइक्स पानी पूरी, छोटे पानी पूरी पसंद करता है। ही लाइक्स गोटा टू, वह गोटा भी पसंद करता है। तो देखो दो कौन सी चीज़ें पसंद करता है, एक हो गई पानी पूरी और दूसरा हो गया गोटा। अब ही यानी छोटू, छोटे बराबर लड़के का नाम है, लड़कियों की पसंदगी है पानी पूरी, लड़कियाँ बहुत तेज़ खाती हैं, मम्मी लोग सब्जी खरीदने जाती हैं तो पानी पूरी के बिना नहीं आ सकती। समझ में नहीं आता कि सब्जी खरीदने जाते हैं कि पानी पूरी खाने जाते हैं। चलो अब देखो ये पहला हो गया पानी पूरी और दूसरा हो गया गोटा, तो हम ये पानी पूरी के आगे नॉट ओनली लगा देंगे और गोटा के आगे बट आल्सो लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा छोटे लाइक्स नॉट ओनली, तो पहला ऑप्शन ले लो नॉट ओनली के बाद, नॉट ओनली पानी पूरी बट आल्सो गोटा, बट आल्सो गोटा। देखिए हो गया। अब अगर इसी में बोथ हैंड लगाना हो तो जहाँ पर हमने नॉट ओनली लगाया वहाँ बोथ लिख देंगे और जहाँ पर हमने बट आल्सो लगाया वहाँ पर एंड लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा छोटे लाइक्स बोथ दोनों पानी पूरी एंड गोटा। देखिए हो गया, बोथ के बाद पहला ऑप्शन आ गया और एंड के बाद दूसरा ऑप्शन आ गया।